हाँ ठीक ठीक है बेन। है। अच्छा तो आज हम मुरली सुनने से पहले बाबा को याद करेंगे, फिर से आह्वान करेंगे बाबा का। 1 मिनट के लिए सब साइलेंस में बैठ जाएंगे। अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपनी बुद्धि को फिर से एक्टिव करते हुए एक श्रेष्ठ संकल्प देंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और शिव बाबा की लाइट पवित्र लाइट परम धाम से मुझ पर आ रही है। आत्मा को, बुद्धि को और मेरे आसपास चारों तरफ पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। और इस शुद्ध वाइब्रेशन में हम बाप दादा को निमंत्रण देंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, बाप दादा अपने वतन से बिल्कुल आपके सामने आ रहे हैं। आपके पास आसपास शुद्ध वातावरण का एक ऑरा है, उसमें बाप दादा आते हुए हमें दृष्टि दे रहे हैं और हमारी बुद्धि को पावरफुल, शुद्ध और एकाग्र कर रहे हैं, जिससे हम बाबा के महावाक्य को शक्तिशाली बुद्धि स्वीकार कर सके, धारण कर सके, ले सके। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज के जो बाबा के महावाक्य है उसमें से हम 3-4 पॉइंट को ऐसे लेंगे जैसे बाबा ने कहा, जो भी टाइटल दिया है आज की मुरली में, जो भी महावाक्य आपको पसंद आए, तो इसमें से 4 पॉइंट कवर करेंगे। पहला कि आज की मुरली से हम ऐसी कौन से पॉइंट लेंगे जिससे हमारे व्यर्थ विचार, व्यर्थ समय से हम दूर रह सके सारा दिन। आज की मुरली से हम वो पॉइंट को लेंगे। दूसरे पॉइंट, आज की मुरली से आप ये बात को लेना कि आज सारे दिन में मुझे कौन सी पॉइंट ऐसी लगी मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वो मुझे लिख लेना है। तीसरा, कौन सी पॉइंट ऐसी है जो मुझे हर घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए आज की मुरली के आधार से। और चौथी लास्ट, कौन सी पॉइंट आज की मुरली से मुझे चैलेंज के रूप में लेनी है। तो ये 4 पॉइंट को आप जरूर निकालना। और इसलिए हम ध्यान से मुरली सुनेंगे। ओके, तो आज की मुरली में
बाबा ने कंट्रास्ट भी बताया है और वो अंतर को भी हमें देखना है, जैसे आसुरी बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि, ऐसे जो बाबा ने अंतर दिखाए हैं वो हमें चेक करना है और अपने साथ उसको लिखते हुए, उसको अटेंशन देते हुए अपने साथ पुरुषार्थ में लाना है। तो आज की बाबा की मूल्य है मीठे बच्चे ना। बाबा आप सबके सामने देखो, आज हर घर सेंटर बन गया, हर घर में बाप दादा आते हुए मूल्य सुनाते हैं, इसलिए आप सबको भी ऐसा शुद्ध वातावरण स्टूडेंट के जैसे बैठना है। तो बाबा की मूल्य है आज की मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या है, है ना? हर एक का हजम करने का सिस्टम कैपेसिटी है ना, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। शारीरिक रूप में भी देखो तो हजम करने की कैपेसिटी, सब कुछ हजम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बाबा के ज्ञान को भी बुद्धि से धारण करने के लिए, हजम करने के लिए भी सबके डिफरेंट डिफरेंट शक्ति है, पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं कि जिस बच्चों ने बाबा के ज्ञान को हजम किया है, माना जिसने शक्ति बनाना है, ज्ञान को अपना बनाया है। अभी हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उसको चर्निंग करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए उसको अनुभव करना, और वो अनुभव एक्सपीरियंस के आधार से वो हमारी शक्ति बन जाती है, वो स्वरूप में दिखता है, हमारे चाल चलन में दिखता है। तो जिसने ये ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को हजम किया है, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा कह रहे हैं, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जिसने बाबा के श्रेष्ठ ज्ञान को अपने स्वरूप में लेके आ गए, उसको और कोई बात उसके स्वरूप में आ नहीं सकती है, उनको पसंद भी नहीं आएगी। और दूसरा, कल्याण की भावना, कल्याण ही करेंगे, और दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए, स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। ये भी चेक करना है, बाबा जो समझा रहा है वो और कोई नहीं समझाएंगे। आगे भी बाबा ने कहा है, आत्मा के समझाने में और परमात्मा के समझाने में फर्क कितना है ना? तो बाबा दुनिया में जो बातें
नहीं समझा सकते हैं वो बाबा हमें समझाते हैं, और बाबा जो समझाते हैं वो दुनिया में किसी के संकल्प में भी नहीं आएगा। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, अभी तक बाबा ने सेंटर पे या मधुबन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम बाबा कई बार कहते थे ना घर घर सेंटर बन जाएगा, तो अभी ये अनुभव हो रहा है ना, हमारा घर भी एक सेंटर है क्योंकि हर रोज मुरली चलती है घर में, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो, जानते हो ऊंचे से ऊंच रूहानी स्कूल है, रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना, ये भी बच्चा ठहरा, ब्रह्मा बाबा भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वो बाप है, सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वो है, वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं। शिव बाबा को शरीर का लोन लेकर समझाना पड़ता है, एक ओके ओके बिंदु बेन, हेलो ओम शांति बिंदु बेन, हम नहीं सुनाई देता है, आपका अभी अनम्यूट अभी हो रहा है, ओके अभी हुआ, क्लियर सुनाई दे रहा है मेरा, दे रहा है सबको सुनाई दे रहा है ना, हाथ ऊंचा करो, हाँ ओके, हाँ सुनाई दे रहा है, ओके। तो बाबा कह रहे थे कि बाबा को भी लोन लेकर आना है और तुमको समझाते हैं, शरीर का लोन लेते हैं और हमें समझा रहे हैं, रोज समझाते रहते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है, भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी, अपने को फिर नहीं भूल जाओ, है ना। बाबा भारत के साथ भारत में जो एक्टर थे उनकी भी कहानी याद दिलाते, तो हम सब एक्टर थे, है ना। और सबसे पहला जो एक्टर, मेन एक्टर जो थे वो थे लक्ष्मी नारायण, उसकी कहानी के साथ साथ हमारी भी कहानी जो हम देवी देवता थे, तो पूरे साइकिल में भारत में हमने चक्कर लगाया। तो बाबा ये भी याद दिलाता है कि आप अपनी कहानी को भी नहीं भूलो, हम कितने लकी हैं जो हमें भगवान आके हमारे हर जन्म के हर समय की कहानी बताते। तो बाबा कह रहे अपने को फिर नहीं भूल जाओ, हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े, धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है, परंतु याद भी कोई को नहीं रहती है, आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है, पवित्र नहीं है आत्मा नहीं होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं,
ये भी याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो, बाप हमको पढ़ाकर ये बना रहे हैं, सारा दिन ये स्मृति आती रहे, बाबा ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं, पहले तुम्हारी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं, तो किस कौन सी बुद्धि कहाँ जाएगा? अगर बाबा की बात, ईश्वर की बात जिसकी बुद्धि में नहीं बैठती, तो वो बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि कह सकते हैं। जिसकी बुद्धि में ईश्वरीय बात न बैठ के, न याद रह के और कोई बात याद रहती है, तो उसको कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो बाबा दो बुद्धि, पहले हम आसुरी बुद्धि थे, अभी हम ईश्वरीय बुद्धि बने। तो ईश्वरीय बुद्धि कैसी हो सकती है? बाबा के एक एक भाव को, बाबा की एक एक बात को, बाबा की एक एक श्रीमत को कैसे अपनी बुद्धि समझती है, उस आधार से हम कह सकते हैं हमारी बुद्धि कितना परसेंट ईश्वरीय बुद्धि बनी है। परंतु फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं, बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो तो वो नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे, कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता है, ज्ञान अमृत हजम भी नहीं होता है। आज बाबा की जो मुरली है वो पूरा वरदान तक में बाबा यही कहना चाहता है, स्मृति, बाबा जो कहता है उसको समझना, स्मृति, स्मृति से निश्चय, निश्चय से नशा, नशा से खुशी और खुशी से विजय। बस बाबा का पूरा मुरली का आज का जो सार है कि जितना बाबा को समझते जाते हो इतना आपको स्मृति रखने की पुरुषार्थ करना है। जितना स्मृति रहती है, जितना आप अपने आप को याद दिलाते जाते हो, इतना आपके निश्चय की पराकाष्ठा बढ़ती है, और जितना निश्चय बढ़ता जाता है इतना नशा बढ़ता जाता है, और जितना नशा बढ़ता जाता है इतना खुशी बढ़ती जाती है, और जितना खुशी इतना विजय फिक्स है। आप विजय के लिए वो पुरुषार्थ करेंगे, चाहे वो कितना भी कठिन मार्ग होगा, कितनी भी कठिन परीक्षा होगी, आप विजयी होंगे। तो बाबा बार बार कह रहे हैं नशा नहीं चढ़ता है, ज्ञान अमृत हजम भी नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जिसको खाना हजम नहीं होता है, आपने खा लिया लेकिन हजम नहीं होता है, तो वो खुश रहता है क्या? उसकी स्थिति कैसी होगी? जिसको हजम ही नहीं हो रहा है, तो उसकी, जब तक उसको हजम नहीं होगा खाना, तब तक उसकी स्थिति कैसे अंदर से ऊपर नीचे होगी, शरीर की और मन की भी। तो बाबा का ज्ञान भी हमने ले लिया लेकिन उसको हम हजम नहीं कर पाते, और फिर दूसरा सारे दिन का कितना भी कचरा डालते जाते उसमें, तो फिर वो नशा नहीं चढ़ता है, वो खुशी की अनुभूति नहीं होती है, तो हजम नहीं हो पाता, हजम नहीं हो पाता, तो फिर न खुद का कल्याण हुआ न दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है, और जैसा फूड वैसा हजम करने की भी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसकी युक्ति भी आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा, फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं, है ना। दूसरा अंतर, कांटे
और फूल। पहले कहा आसुरी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, कांटे और फूल। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसी को भी समझाओगे ना तो झट कोई को तीर लग जाएगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं, सोचो। विश्व के मालिक थे, अब कहाँ आएंगे। हमारे गिरने और चढ़ने का ही ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ के सुनाते हैं, है ना। कहानी तो ऑलवेज याद रहती है ना, तो इसको कहानी के रूप में अपने पात्र को देखो। यही नाटक में बार बार अपने पात्र को देखो, यही चक्र में बार बार अपने पात्र का दर्शन करते रहो तो भूलेंगे नहीं। तो वो है, बाबा कहते ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वो है झूठी, ये है सच्ची। वो सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े, ये कैसे गिरे। ये बाप ने सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाई है। राजा कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, कि बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता है ना, इसलिए तो जादू कहते हैं ना मुरली। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह नहीं सकता है ना। समझते हैं बाद में, बाबा के आगे तो जाते थे तो हाथ उठा लेते थे, नशा चढ़ जाता था लेकिन उसके बाद, क्योंकि वो समय पे इतनी हाई बाबा की वाइब्रेशन होता था, इतना प्योर वाइब्रेशन, बाबा की दृष्टि में पावर होता था। बाबा का बोलना और जो बाबा का वाइब्रेशन, वो ऐसा था कि बुद्धि को जैसे एकदम बांध देता था, और हम हर बात बाबा की जो बोलते थे वो तैयार हो जाते थे करने में। लेकिन फिर जो वो बाबा ने बनाया हुआ वाइब्रेशन से बाहर निकलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे मेरी चाल चलन इतनी साधारण हो जाती है। तब पता पड़ता है कि अरे जो बाबा कह रहा है वो सही है, कि बाहर जाने से नशा निकल जाता। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दिया, तुम नीचे उतरते आए, क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पड़ती हैं, जिसका रिस्पॉन्स दिया जाए तो कुछ समझे, है ना। कई बातें ऐसी है जो बाबा कहते हैं उनको जवाब दो, उनका उनको कुछ रिस्पॉन्स दो कोई ना कोई रीति से। आजकल आजकल देखो शिवानी बहन भी भारत में हर एक को कैसे आंसर दे रहे हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम करके, और चाहे कॉरपोरेट में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे मेडिकल लेवल पे हो, चाहे चाहे सोशल हो, चाहे सेवा हो, जैसे बताया ना सेवा से शक्ति, कितना अच्छा प्रोग्राम किया। तो इसमें इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो उनके जैसे बुद्धि खुल रही है, सोच रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे रेस्पॉन्स दो, ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाबा सुनाते हैं। ये है पुरुषोत्तम युग। इतना अच्छी बात है, हम पुरुषोत्तम युग में बैठे, संगम युग में, जो बाबा ने ये समय पे जहां बिठाया हमें, वो समय सबसे पावरफुल समय। जब तक बाबा का सानिध्य है, सबसे पावरफुल समय। अब इस समय पे
भगवान आके योग सिखाता है ना। माना आप सोचो, भगवान कोई थोड़ी कहता है, बाबा कोई थोड़ी कहता है योग रूम में आके आओ और मैं आपको योग सिखाऊंगा, है ना, मेरे के यहाँ पर्सनल बैठो योग सिखाऊंगा, ये तीन लोगों को योग सिखाऊंगा, ये पांच ग्रुप को योग सिखाऊंगा। नहीं, बाबा योग सिखा रहे, कहाँ सिखा रहे, कैसे सिखा रहे बाबा? तो बाबा एक तो दृष्टि है ना, और दूसरा मुरली। आप अगर मीठे बच्चे से लास्ट तक बाबा जो कह रहा है ना, वो ही समय बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, बाबा जैसा योग कोई सिखा ही नहीं सकता है, बाबा जैसी कमेंट्री कोई दे ही नहीं सकता है। बाबा की मुरली में जो बातें आती है ना, वही समय बुद्धि से एक्सरसाइज करो, बुद्धि से आप उसको देखना शुरू करो, हाँ, परम धाम, कलयुग, राइट, संगम योग, हाँ, ब्राह्मण, आसुरी बुद्धि, जो बाबा कितना हमें एक एक सेकंड में किस किस चीजों से जोड़ता है, तो हमें बाबा योग करना तो सबसे बेस्ट मुरली से सिखाता है। मुरली एक योग है ना, इसमें अव्यक्त मुरली भी देखो, वो भी योग है। हर मुरली में बाबा हमें सारा अपना दर्शन कराते हैं ना, सतयुग से लेकर संगम युग तक दर्शन कराते हैं, परम धाम का भी दर्शन कराते हैं, है ना, अपना भी दर्शन कराते हैं, आत्मा का भी दर्शन कराते हैं, फिर सूक्ष्म वतन का भी दर्शन कराते हैं, और देखो दुख धाम का भी और सुख धाम का भी। तो बाबा हमें हर रोज मुरली में बेस्ट योग करना सिखाते हैं। तो बाबा राजयोग सिखाते हैं, अभी पुरुषोत्तम संगम, और पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा ने सबसे बड़ी गिफ्ट दिया है समय का साथ, है ना, पुरुषोत्तम, और बाबा ने बनाए हुए परिवार का साथ, और बाबा ने दी हुई ईश्वरीय बुद्धि, सबसे बड़ी गिफ्ट। अगर मुझे बाबा ने ईश्वरीय बुद्धि गिफ्ट में नहीं दी होती, तो जो बाबा मुझे दिखाना चाहता है वो मैं देख नहीं सकती, दुनिया में कोई साइंटिस्ट भी नहीं देख सकता है जो हमारी बुद्धि देखती है, है ना। तो पुरुषोत्तम और यही समय पे देख सकती है, सारे 5000 वर्ष में हर युग में कैसा भी आपका रोल होगा, लेकिन आपकी बुद्धि इतना ऐसी फाइल नहीं खुल सकती, हमारी बुद्धि में इतने समय की इतनी जो चीज कोई देख नहीं सकता, कोई कैमरा नहीं देख सकता है, वो हमारी बुद्धि देख सकती है। हमारे आत्मा के अंदर से सारे फाइल खुलती है, जो बाबा को दिखाना चाहे वो सारी फाइल हमारे अंदर रिकॉर्ड है, खुलती है। तो ये संगम युग का ही महत्व है, जहां बाबा पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषोत्तम का ना, पुरुष आत्मा को उत्तम बनाता है, तो ये भी बहुत कमाल की बात है ना, पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं ना, अच्छा ये दो और आसुरी संप्रदाय के दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं, अभी कितना फर्क है, ये दो अंतर भी देखना है, उनके बीच का ये संगम युग है। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्कर लग जाता है, अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वो नहीं है, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, मतलब आप कोई भी कितना भी समय हो गया हो, लेकिन अटेंशन बहुत जरूरी, फेल हो पड़ते हैं, भले पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते हैं तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती है, ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वो सन्यास धर्म छोड़ जाके गृहस्थी बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं, बाबा इम्पोर्टेंट बताते हैं कि हम पवित्र रह रहे हैं ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप गिरोगे नहीं, फंसोगे नहीं, पढ़ाई साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है,
बार बार बाबा जो हमें जो हमारी बुद्धि में डालता है ज्ञान अमृत, वो अगर हम नहीं लेते हैं तो चांस से फंसने का। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सन्यासी भी रहते हैं ना, फिर वापस आते हैं क्योंकि उनको राइट समझ तो है नहीं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम कहाँ बैठे हो आज, बाबा कहाँ याद करा रहे हैं। बाबा ने कहा स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है, जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतोग्रदान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई, हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, देखो बाबा नहीं कह सकते हैं कि हम ऐसे थे, मैं क्या बन गया हूं, नहीं। लेकिन हम कह सकते हैं, हम कहते हैं और बाबा हमें भी कहते हैं, याद दिलाते हैं, आप क्या थे, क्या बन गए हो। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है, तो जरूर भारत में ही रीइनकॉर्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी है भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है, कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है, है? सबकी बुद्धि जागृत है ना, अलर्ट होके सुन रहे ना, क्योंकि बाप दादा आपके पास आपके साथ के वाइब्रेशन में आते हुए आपको मूल्य सुना रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हो, तो अलर्ट रहेगी बुद्धि। ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, ये शिव का परिचय किसने दिया, बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा के रथ, ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। कहां 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं और कहां ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। कैसे देखो सीन बदल रहा है ना, पहले हमें मधुबन जाते थे, फिर सेंटर पे, अभी घर में। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है ना। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, है ना। देखो जब हम बाबा के सामने गए मुरली सुनते थे, और वो समय पे बाबा का जो कहना, बाबा के पास से जो हमें अनुभूति होना, और फिर कोई और आत्मा सुनाते हैं उनके साथ, तो बाबा का 100% वाइब्रेशन, हर शब्द में प्यार, हर शब्द में
देही अभिमानी स्थिति है ना, हर बाबा का हर दृष्टि में आत्मा को देखना, तो 100% वही वाइब्रेशन और वो वही स्टेज में और कोई आत्मा नहीं सुना सकती है ना। तो परमात्मा का समझाना के और सब आत्माओं का समझाना में वाइब्रेशन में स्थिति में है ना, कॉन्शियसनेस में सोच में चर्निंग में सब में फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई भाई का इतना असर नहीं रहता, यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, समझते हैं बाप बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे ना? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूं, तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में कितना फर्क है समझो। कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहां का फूल होगा तो उनको टच होगा, ये कहते ठीक है, जो यहां का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनाओ बनो है ना। देखो बाबा कहते हैं कि जो देवी कुल का होगा, जो बाबा से टच में आने वाली आत्मा होगी वो जरूर समझेगी बात को, चाहे कोई भी माध्यम हो उसको टच हो जाएगा ना। आज देखो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, विदेश में भी चलता है और भारत में, और भारत में तो हजारों रजिस्टर कराते हैं और चलता है, और अभी ऑनलाइन मुरली पे भी आ गए। बोलो कोर्स किया, कोर्स के साथ साथ मुरली सुनाते, अभी मैं मुरली सुना रही थी, कितने लोग मुरली सुन रहे थे, 70 जो अभी ऑनलाइन कोर्स करके मुरली सुन रहे हैं। तो जिसको टच होगा होना होगा वो कैसे भी होगा। अभी योगिनी बहन सुना रहे थे, वो जो भाई आ रहे हैं, आप देखो इतने समय से जहां पास में सेंटर है नहीं, लेकिन ऐसे टाइम पे उनको टच, और जैसे कहते हैं लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट, ऐसे आत्माएं अभी टच हो रहा है आत्मा को है ना। क्योंकि अभी क्या है, कई बार हम सोचते हैं ना कि इसको चांस कहते हैं कि चॉइस कहते हैं, है? हमें अभी क्या मिल रहा है, ये जो हमारा लास्ट जो अभी जो आने वाला समय होगा वो अलग होगा, इसको क्या कहते हैं चांस। हमें चांस मिला है, किसलिए चांस मिला है, अपनी लास्ट हाईएस्ट स्टेज का अनुभव करने का। अभी जो बाबा हमको स्टेज बनाना चाहते हैं हाईएस्ट स्टेज, वो हाईएस्ट स्टेज का एक्सपीरियंस करने के लिए हमें चांस मिला है। कैसा चांस मिला है, पहले हम कहते थे हमें टाइम नहीं मिल रहा है, अभी कैसा चांस मिल रहा है, आप अपने घर में बैठ के आपको देखो अलग 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 महान आत्माओं का कितना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो उस बाबा कहते हैं ना अनुभव की कहानी सुनाओ, तो अनुभव की कहानियां सुन रहे हो, हर एक के स्थिति का एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो स्थिति वो जो खजाना मिल रहा है वो बाबा हमें जैसे अभी लास्ट पिरोस रहा है, उससे हमें इतना अपने आप को तैयार कर देना है कि अभी जो बाबा जो कहना चाहता है ना कि हाईएस्ट स्टेज क्या हो सकती है आत्मा की, वो स्टेज का हमें कंटिन्यू अनुभव करने का समय, एकदम कंटिन्यू अनुभव करने का समय हाईएस्ट स्टेज का। तो बाबा कह रहे हैं
टच होगा, ऐसा कह रहे थे मामा। ये कहते ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं, तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनाओ बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं, आपने सुना होगा मुरली, हर मुरली लॉकडाउन के बाद है ना, बाबा की हर मुरली में या तो मौत शब्द आता है, विनाश शब्द आता है, या खत्म होने की शब्द आता है ना। कैसे आता है देखो, आज भारत में वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा साइक्लोन, इतना बड़ा प्राकृतिक है ना, नेचर का तूफान भी सुबह सुबह, तो कुछ ना कुछ तो देखो बाबा हमें चांस देके अलर्ट करा रहा है, अभी भी समझ के अपनी स्टेज को बना दो। तो बाबा कह रहे मुख्य बात है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं, जब कोई आते हैं तो उनको समझाओ। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। देखो ये बहुत बड़ी बात है, जो हमने पॉइंट दिया था ना, हर घंटे कुछ करो, ऐसा एक चीज हर घंटे क्या प्रैक्टिस करें। तो ये आज मैंने ये संकल्प किया था, हर घंटे एक मिनट ऐसा पावरफुल योग करो जिससे मेरी खाद या आत्मा में एकदम पाप भस्म हो जाए। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन वो पाप भस्म हो जाना चाहिए। चलो हम आधी मिनट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एकदम रिलैक्स होके बैठो और सब कुछ भूल जाओ, शरीर, स्थान, संबंध, एक सेकंड में सबसे डिटैच होके एक पॉइंट ऑफ लाइट को बुद्धि रूपी नेत्र से ध्यान से देखो, मस्तक के बीच में, ब्रेन के फ्रंट में, पॉइंट ऑफ लाइट बुद्धि रूपी कैमरा को ऑन करो, ध्यान से देखो, ओनली पॉइंट ऑफ लाइट, और कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा शरीर खत्म। और अब बुद्धि रूपी कैमरा को घुमाओ परम धाम, एक सेकंड में परम धाम, परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट को जो एवर प्योर लाइट है उनके सामने स्थिर कर दो, एकदम स्थिर, थोड़ी सी भी हलचल नहीं, पावरफुल प्योर लाइट। प्योर लाइट की पावरफुल रेज आत्मा में आ रही है, ऐसा कनेक्शन जोड़ के रखो कि ये प्योर लाइट पाप को भस्म कर दे। अब एक सेकंड में परम धाम से साकार लो, वापस से शरीर की रचना करते हुए
मस्तक के बीच में। अब इस कान से बाबा की मूल्य सुन रहे हैं। तो बाबा कह रहे थे मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मनाभव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे कि मामेकम याद करो, देह के सभी संबंधों को छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। फील कर रहे हो ना, आपके सामने है। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वो कहते हैं पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। है ना, ये पुरुषार्थ भी तब कर सकेंगे जब हम सोच रहे हैं कि आत्मा ये शरीर से कैसे निकले, मैं आत्मा ये शरीर से कैसे निकलना चाहती हूं, ये मुझे डिसाइड करना है। तो मेरा पुरुषार्थ वैसा हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ अभी पार्ला में रह रही हूं, एक महीने के अंदर तीन चार बाबा के बच्चों ने शरीर छोड़ा, कुछ भी नहीं था, ऐसे शरीर छोड़ा। वो देख के सोच चल रहा था कि इनको देख के प्रेरणा लेनी चाहिए। और पुराने बाबा के बच्चे एकदम पक्के योगी एंड धारणा वाले, है ना। एक भाई ने शरीर छोड़ा, खाना खाया पर देर भर, उनका फेवरेट लड्डू खाया और आराम से सोए। दोपहर को सोने जाते थे, उनका पूरा रूम अपना तपस्या रूम जैसा ऐसे लेटे, और लेटे लेटे बस लेटे 2-3 मिनट हुई और खांसी खाई जोर से। उनका बेटा पास में गए, बेटी पास में गई, अरे कुछ नहीं पापा, बाबा को याद करो। पर उन्होंने ऐसे शरीर छोड़ दिया, एकदम अच्छा बाबा का बच्चा। अच्छा, दूसरी एक माता जो भी कुछ नहीं, धारणा वाली पक्की, सुबह सुबह आराम से उठने समय शरीर छोड़ दिया। एक कुमार बिल्कुल धारणा वाला पक्का, रात को बाबा को याद करने बैठे 10 बजे सोने से पहले, बैठे बैठे योग में, योग करते करते आत्मा निकल गई। अभी ऐसी ऐसी ऐसे ऐसा शरीर छोड़ने का देखो सीन देखा तो सुना तो ऐसा लगा कि देखो कैसे है। और ऐसी योगी आत्माओं को कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ा, ऐसे चले गए और ऐसे शरीर को जला दिया वो बाबा के पास। और बाबा के मैसेज कितने अच्छे आए, है ना। तो वो सोचना है कि मेरी, मैं आत्मा ऐसे कितना काल तक, समय तक मुझे वो स्थिति का अनुभव करना है जो आत्मा ही शरीर से अलग वैसे ही हुए जैसे मैंने सोचा। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है, सुनो, बाबा से बुद्धि को अलग करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का पर चिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, इसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताए, तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर। ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब धूतीपना है। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो,
सभी सिक्काओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही ये है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है इस बात की, बस ये पैगाम देते रहो, बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है, कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है, एक बाप को याद करो, जिनके विनाश काले प्रीत बुद्धि है वो तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का वनवास है ना, जिसके साथ आपका प्यार हो, आपने देखा कभी लवर जंगल में मिलते हैं नहीं मिल सकते ना, लवर जहां मिलते हैं तो गार्डन में पहले तो मिलने के लिए बुलाएंगे ना, तो बाबा भी कहते देखो जंगल में जो होंगे उसकी बाबा से मतलब प्रीत बुद्धि नहीं है, प्रीत बुद्धि वाले जंगल में नहीं रहेंगे, जंगल में उनको जचेगा ही नहीं, है ना, प्रीत बुद्धि वाले हमेशा हमेशा कैसा स्थान देखेंगे, तो बाबा कहते हैं एक है वनवास जंगल में वास करते हैं, एक है बाबा आज आगे कहते हैं गार्डन वास, तो वनवास और गार्डन वास जंगल में वास है, बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, जिन बाप से इतनी बेहद की बातशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो, वनवास और गार्डन वास है ना, बाबा के साथ प्रीत है तो गार्डन का अनुभव कराएंगे और महल का भी, फिर महल में बेच देंगे, बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं, तुम यहाँ बैठते हो तो भी बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं, बाप कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं, बाबा से प्रीत होगी तो बाबा अच्छी अच्छी जगह का एक्सपीरियंस कराएगा, बाप उलहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहां तक भूलते रहोगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाओगे, अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं, एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशुक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं, कहां थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, कहां एयर कंडीशन में फर्स्ट क्लास है ना, अब सोचो एयर कंडीशन में जाना है तो हमें पैसा अर्न करना पड़ेगा ना, कितना फर्क है, अभी बाबा से प्यार होगा प्रीत होगा तो ट्रैवल भी किस में कराएंगे, देखो ये सब विचार सागर मंथन करना है तो ही तुमको मजा आएगा, ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूं, आप सोचो ब्रह्मा बाबा को ऐसा लगता है तो हमें कैसा लगता होगा ना, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है, अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है, एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना,
ये धूर्तीपना है, इसे छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़, एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजय भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है ना, जिसके अंदर अलौकिक रूहानी नशा दिखाई दिया, मतलब इनको निश्चय कितना है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की भी कोई चाल चल नहीं सकती है। बेफिकर बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती है। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार बुला देता है। इसलिए इसलिए सुनो, सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो। क्या कमाल का अनुभव करा रहे हैं ना बाबा, आत्मिक स्वरूप का नशा। देखो कितना भरपूर, सातों गुणों से भरपूर आत्मिक स्वरूप का नशा, जिसमें असीम प्यार, लवफुल है ना, पीसफुल, नॉलेजफुल, तो ये सातों गुणों से भरपूर, तो ये आत्मिक स्वरूप का नशा। अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन, वंडरफुल, फरिश्तेपन का नशा, और भविष्य, देवी देवता है ना, भविष्य का नशा। कमाल है ना, अगर ये चीज का रियल में अनुभव करे तो दुनिया के कितने भी रिचेस्ट हो, उसका नशा कुछ नहीं है। उस नशे में भी कहां ना कहां विकार की है बात। ये नशे में तो क्या होगा, विजय ही विजय। ये नशे में रहो तो विजय बन जाओगे। स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो, मधुर बनाओ। गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मधुरता का गुण। सुना मुरली, तो कौन सी पॉइंट लेंगे, वो लिखा होगा, जिससे हमें व्यर्थ विचार न चले। ऐसी कौन सी बाबा ने पॉजिटिव पॉइंट बताई, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की पॉइंट कौन सी बताई। जैसे मैं मैसेंजर हूँ है ना, भगवान ने मुझे मैसेंजर बनाया, और हर घंटे प्रैक्टिस की, और कौन सी चैलेंज, आप एक के बाद जवाब दो अनम्यूट करके। किसको जवाब देना है, अपने आप ही अनम्यूट करो। अभिन बोलो, आप अपना वीडियो ऑन करो तो दिखाई देवे। आज मैं सारा दिन बाबा से कनेक्टेड रहूंगी, और हर घंटे में अपने आप को याद कराऊंगी कि मैं प्योर आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और पवित्रता की धारणा हर अपने कर्म में लाऊंगी। और
रूहानी नशे में रहूंगी बाबा के। दूसरे किसी को बोलना है? ओम शांति। प्रियम बेन। ओम शांति। आज सारा दिन मैं याद रखूंगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई भी काम करते भी जो बाबा ने पढ़ाया है अभी तक का नॉलेज वो याद रखूंगी और उसको चर्निंग करूंगी और अपने मन की स्थिति इतनी पावरफुल बनाऊंगी कि मेरी बुद्धि कहीं और ना जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं इसी नशे में रहूंगी कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो इसी स्मृति में रह के सबका कल्याण करने का ही सारा दिन सोचूंगी और मधुरता का गुण धारण करूंगी। ओम शांति। हाईएस्ट स्टेज का अनुभव करना है और इवल बातें ना सुननी है ना किसी से सुनानी है और बाप से योग लगाना है ये, और बाप से ही प्रीत रखनी है, यही मेन काम करना है। आपकी खुशी गायब ना होए उसका खास ध्यान रखना है। खुशी हाँ। जैसा कोई खुराक नहीं। आत्मिक स्वरूप की स्थिति ये होना है, नशे नशा हो बाबा के वो नशा हो तो विजय विजय बन सकते। स्मृति निश्चय नशा और खुशी से विजय जो मिलता है वही आज मुरली का पूरा सार जो बाबा ने बताया है उसमें ही आज स्थित रहना है और मधुरता से ही महानता और मधुर बनना मधुर बनाना। ओम शांति। आज हर घंटे में एक से प्रीत रखेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए याद रखें कि हम देवी देवता है और व्यर्थ के लिए किसी की बात न सुननी है न सुनानी है। आप अपना वीडियो ऑन करो तो दिखाई देवे। और चैलेंज के लिए हाईएस्ट स्टेज और निश्चय में रहना है। ओम शांति। एक पॉइंट बोलना है, बाबा का ज्ञान लिया है तो जो हजम नहीं होता तो खुशी की अनुभूति नहीं होती, और जो बाबा ने जो ईश्वरीय बुद्धि दी है तो उस वो किसी की किसी बुद्धि नहीं देख सकती, और बुद्धि जो है वो जो साइंटिस्ट भी वो नहीं देख सकते वो देख सकते। बहुत ही अच्छा। अभी बिंदु बेन आपका साइलेंस का अनुभव सुनाओ फिर हम। मधुरता का गुण ही जीवन का आधार है। अभी बिंदु बेन अभी सुनाएगी। अच्छा तो बहुत अच्छा कि कोई ना कोई नशा रहता है जब हम कोई ना कोई दृढ़ता से संकल्प लेते हैं तो वो चर्निंग होता है और चर्निंग के साथ साथ हम अनुभव करते हैं और इसलिए हमारा नशा और बढ़ता जाता है। जब नशा खुशी बढ़ती है तो और कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करने का मन होता है, तो जितना स्वमान को स्वमान की प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना बुद्धि ऊंचे सोमान से ऊंची उठती जाती है, उतना ही ऊंचे बाप से कनेक्ट इजीली होती जाती है। तो कई बार कुछ न कुछ दे तो आज भी एक गिफ्ट दे मनाना है हमें कि बाबा ने हमें गिफ्ट में ये दे दिया है ऊंचे से ऊंची अवस्था को अनुभव करने के लिए, ये मेरा आज का गिफ्ट दे है ना। तो मैंने भी एक संकल्प किया था कि सैटरडे को मौन में रहने का, सो मौन में रही तो मुझे सुबह से दृढ़ता से संकल्प किया था मौन में रहना है। कोई कोई बहन ने मुझे बताया कि इजी नहीं है रहना, तो वही समय पे
मैंने एक चीज को डाला, इशारे से उनको बोला मेरे लिए इजी है, तो वो जो मैंने मेरे संकल्प आया ना मेरे लिए इजी है, तो वही समय से मेरे लिए मुझे अंदर से जैसे हो गया कि मेरे लिए इजी है, तो और इजी ही हो गया क्योंकि मैंने संकल्प किया था मुख के साथ मन का भी मौन रखना है, मन का भी मौन रखना है। सो बहुत ब्यूटीफुल हुआ क्योंकि मैं 2 बजे से उठी थी, तो हर हर अंदर की, जब आप मन का भी मौन रखते हो ना तो आपके अंदर की स्थिति का आपको अनुभव होता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, क्या करना है अभी, और वर्तमान समय के हिसाब से भी आप कहाँ हो। जैसे संडे की बाबा ने मुरली में कहा ना, आप क्यों आए हो, ये लाइफ को आपने क्यों पसंद किया है, आप ये लाइफ पे क्यों चल रहे हो, कहाँ जाना है और कहाँ जा रहे हो। तो सैटरडे मुझे ये संकल्प आया और बहुत अंदर से गहरी से गहरी बातों को जैसे एक खोदने का, निकालने का जैसे मुझे अनुभव हुआ, टाइम मिला, और उसके कारण ये भी समझ में आया कि बाहर भी जो जो सेवा चल रही है, जो हमारा सेंटर का सिस्टम, यज्ञ का सिस्टम, वहां भी मुझे कितना समय मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना है, माइंड को चलाना है, वाणी को चलाना है, कितना समय हम अननेसेसरी एनर्जी को हमारी यूज करते रहते हैं, तो वापस वो अवेयरनेस आ गई। और कितना हम कोई के भी रोल को या कोई भी सीन में हम इंटरफियर करते हैं जो 100% वेस्ट है, तो वो चीज को बहुत अवेयरनेस आया। और जो परम धाम की अवस्था थी, जो मैं लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तो मैं बॉम्बे में फंसी, तो वही समय 21 दिन का अनाउंस किया, तो 21 दिन का ऐसे भी महत्व है कि कोई चीज आप 21 दिन करो तो आपकी आदत बनना शुरू होती है। तो वही समय बाबा के रूम में जाके मैंने बोला, बाबा 21 दिन मिला है, अब 21 दिन क्या करना चाहिए, तो बाबा ने और मैं करना है, तो बाबा ने फटफट 5 पुरुषार्थ बताए और उस पे मैंने ट्राई किया। और ये जो मन का अभ्यास था उसमें योग में मुझे जो एक्सपीरियंस हुए, 2-3 बार मैं जो बाबा के रूम में योग में बैठी, तब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो रियल में परम धाम की अवस्था पाप भस्म करने की, और बाबा को मुझ आत्मा के थ्रू किसी अनेक आत्मा को वाइब्रेशन कैसे देना होता है, लाइट कैसे देने थी, वो रियल में अनुभव कराया मुझे बिगर पुरुषार्थ को। जैसे मुझे बाबा ने अपने लाइट के सामने बिठा दिया और कैसे अपनी लाइट को मेरे अंदर से निकाल के बहुत आत्मा को इमर्स करके उन्होंने, और वो बहुत लंबे समय तक वो एक्सपीरियंस रहा। तो वो समय से एकदम जैसे एक नया अनुभव होना स्टार्ट हुआ, वो लाइट का अनुभव एकदम लाइट होती गई और इजी लगने लगा। जो संकल्प करती हूँ मुरली से या जो संकल्प में अमृत वेला करती हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ अभी इजी होने लगा और एकदम क्लियर समझ में आया कि वापस हांगकांग में जाना है बाबा के घर में, वहां पे भी कैसे सिस्टम से चलना चाहिए और कहाँ पे मेरा रोल है, कहाँ पे मेरा रोल नहीं है। ये मेरा एक दिन का मन का पुरुषार्थ से इतना अच्छा मुझे बाबा ने अनुभव कराया। ओम शांति। अभी आप फिर से योग का अनुभव कराओ और फिर हम ओम शांति कहे, क्योंकि बिंदु बेन का तो आधी रात होने आएगा। ओके चलो हम अपने आप को एक पावरफुल संकल्प देते हैं कि हम ये 2-3 मिनट टोटली
अपने अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस के लिए एक एक सेकंड अपने बुद्धि रूपी नेत्र को ओपन करते हुए अलर्ट कर दो और आत्मा को एक डायमंड के तरह देखो। शिव बाबा की पवित्र लाइट इस डायमंड पे पड़ रही है और मस्तक के बीच में डायमंड से अनेक किरणें निकलते हुए पूरे शरीर के एक एक कोने में पहुंच रही है और शिव बाबा की पवित्र लाइट इस आत्मा रूपी डायमंड से होती हुई पूरे शरीर को परिवर्तन कर रही है। धीरे धीरे ये पवित्र लाइट के किरणें शरीर को पूरा लाइट का बना देती है और शरीर के आसपास भी लाइट का बहुत पावरफुल ऑरा बना देती है। एकदम एंजेलिक स्वरूप बन जाता है और चारों तरफ पवित्र लाइट का ऑरा जैसे एक बलून इस पवित्र लाइट का बलून उसमें आप एंजल एकदम सेफ लाइट हल्के पवित्र अब शिव बाबा की लाइट के किरणें इस बलून को ऊपर की ओर ले जा रही है। मैं एंजल इस बलून में सेफ बाहर के कलयुगी वातावरण से सेफ अनेक आत्माओं से सेफ वाइब्रेशन से सेफ पवित्र बलून में बाबा ऊपर की ओर ले जाते हुए सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा हमारे वेलकम की तैयारी करते हुए सामने आ रहे हैं और बहुत सारे एंजल्स भी साथ में हैं। बाबा इस बलून में प्रवेश करते हैं और ये लाइट का बलून धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है पूरे सूक्ष्म वतन में फैल जाता है और सब एंजल्स जो बाबा ने इमर्स किया था वो सब आ जाते हैं। बाप दादा मुझे बहुत सुंदर बैठक में ले जाते हैं जहां बाबा ने ब्यूटीफुल गोल्डन एंड सिल्वर लोटस बनाया होता है। बाप दादा बीच में बैठे हैं और एक एक लीव्स पे एक एक पंखुड़ी पे हम एक एक एंजल्स को बिठाते हैं। और एक एक पंखुड़ी इतनी पावरफुल पवित्र होती है बैठते ही
और हम चार्ज हो जाते हैं बाप दादा की दृष्टि और मस्तक से किरने निकलते हुए हम सब एंजल्स पे पड़ते हैं और हम एकदम प्योर और बाप समान भरपूर सब एक जैसे एंजल लगते हैं। अब बाप दादा इशारा करते हैं लोटस को, लोटस पूरा सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर आ रहा है हल्का फुल्का। हम सब बाप दादा भी और पूरे विश्व में ट्रैवल करता हुआ पूरा अमेरिका और लॉस एंजेलस शहर के ऊपर इतना लाइट है जैसे फ्लोटिंग कर रहा है बाप दादा और हम सब एंजल्स से चारों तरफ पवित्र शुद्ध शक्तिशाली सकास निकलते हुए पूरे शहर को सकास दे रही है। एक एक रोड पे एक एक गलियों में एक एक घरों में नेचर में एक एक आत्माओं को सब जगह पे पवित्र लाइट की सकाश लोटस के चारों तरफ से रेज निकलती हुई पूरे शहर में छा जाती है और पूरा शहर सफेद लाइट की चादर से ढक जाता है। शुद्ध प्योर लाइट एक एक कण में जाते हुए शुद्ध कर रही है। फ्यू सेकंड ये अनुभव में खो जाओ। अब बाप दादा इशारा करते हैं लोटस को और पूरा लोटस सूक्ष्म वतन की ओर जा रहा है। और सूक्ष्म वतन में हम सब एक दूसरे को देखते हुए बहुत प्यार से इसे वरदान दे रहे हैं और बाप दादा की दृष्टि हमें भरपूर करते हुए बाबा एक एक के पास आते हुए सिर पे हाथ रखते हुए सफलता भोग का वरदान देते हुए विजय का तिलक लगाते हुए हमें वापस अपने सेवा स्थान पे भेज देते हैं। हम इस शरीर में साकार शरीर में आ जाते हैं और हमारे से चारों ओर लाइट निकलते हुए पूरे सेंटर पूरे घर में चारों तरफ फैलती हुई प्योर शक्तिशाली वाइब्रेशन से भर देती है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। अभी हम यही स्थिति में रहेंगे पूरा समय, और जो भी आपके संकल्प में आवे, आपके सामने आवे, उनको भी ये बाप दादा का लाइट का अनुभव रहे। और आज जो कहा कि मन का और वाचा का दोनों का साइलेंस रखते हुए कर्म योगा करना, ताकि बाबा हम बच्चों को बहुत ही शक्ति दे के अनेक आत्माओं की सेवा कराएगा। तो हम बिंदु बेन को एक हाथ से शांति रहेंगे। थैंक यू गीता बेन। बिंदु बेन इतना अच्छा एंजेलिक स्वरूप का दिखाई दिया आपने, जो पट्टी किया ये ही अनुभव किया हमने भी यहाँ बैठ के, तो बहुत ही जैसे लाइटनेस का अनुभव रहा। तो दोबारा हम मिलते रहेंगे। थैंक यू, आपसे प्रेरणा लेती हूँ, आप प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए, इसलिए आपसे हमेशा प्रेरणा लेती हूँ और यही फल है। हम भी बिंदु बेन जैसा ऐसा अभ्यास करके दूसरी बारी बुलाएंगे, तो वो भी हमारा इतना अच्छा स्वरूप देखे, ताकि बहुत सारी आत्माओं को मदद मिलेगा ना। तो अच्छा लगा गीता बेन को आना है हांगकांग में, हम सभी आज पहुंच गए हांगकांग। ठीक है, ओके। ओम शांति। हम सब भी हमारी सब को लेके आ जाएंगे हांगकांग। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति।